माँ जानकी ने आज स्वप्न देखा। माँ जानकी ने आज भगवान को प्रातः काल उठ करके कहा, प्रभु आज मैंने स्वप्न में देखा महारानिया अपने श्रृंगार को त्यागी हुई है। भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान कहने लग गए, जानकी शुभ शुभ बोल, ये क्या अनिष्ट कह रही है। जैसे ही मां जानकी ने इस बात को कहा, भगवान तुरंत हाथ पैर का आचमन करके कुटिया के बाहर वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान शिव का ध्यान करने लग गए, सब सकुशल हो, सब आनंद से हो। और भगवान ऐसा ध्यान कर ही रहे थे कि देखा उत्तर दिशा की तरफ से सुनत सुमंगल बैल मन प्रमोद तन प्रफुल्लक भर। उत्तर दिशा की तरफ से पक्षियां उड़ने लग गईं, जंगल पर हलचल होने लग गया, पशु पक्षी इधर उधर जाने लग गए। कोल भील से भरत की मुलाकात हुई। आज कोल भील दौड़े दौड़े कि चलो हम भी खोजने के लिए चलते हैं, हमें पता है कहां है। और झुंड के झुंड लोग उत्तर दिशा की तरफ से आ रहे हैं। कुछ कोल भील पहुंचे भगवान के पास और कहने लग गए, प्रभु प्रभु आपका कोई भाई है जो आपके रंग का दिखता है। भगवान ने कहा, हाँ हाँ मेरा भाई छोटा भाई भरत है। कोल भील कहने लग गए, वो भरत आपको खोजते हुए यहां पहुंच चुका है, वो नीचे है अभी। राम जी को लगने लगा, मेरा भरत मुझे खोजते हुए अयोध्या से यहां पहुंच गया। कोल भील ने कहा, सेन संग चतुरंग न थोरी, सेना भी लेकर के आया है। भरत जी के तो मन में आया, राम जी के मन में आया कि मेरा भरत जानता है, भरत मुझे जानता है कि प्रभु जंगल में है तो वनवास में उन्हें कष्ट हो रहा होगा, इसलिए वो मेरी सुरक्षा के लिए सेना लेकर के आए हैं। लेकिन लक्ष्मण को मन में ऐसा आया कि नहीं नहीं भैया, वो भरत तो जंगल में हमें मारना चाहता है, हमें मारने के लिए आया है। भगवान ने बार बार लक्ष्मण को समझाया, नहीं लक्ष्मण ऐसी बात नहीं है, तू भरत को नहीं जानता, भरत के प्रेम को नहीं जानता है। लक्ष्मण ने तो तीर धनुष हाथ पर ले लिया था कि अभी तुरंत इस तीर के माध्यम से समस्त अयोध्या नगर को जलाकर अयोध्या वासियों को नष्ट कर दूंगा, भरत को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन भगवान ने जब शांत किया, भरत भी लक्ष्मण कुछ देर बैठे इंतजार कर रहे हैं प्रभु भरत का, और आवाज आई वहां से, पाई नाथ कही पाई गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पाई नाथ पाई नाथ पाई नाथ करके श्री भरत जी महाराज ने कुटिया के बाहर से जब आवाज लगाई तो इस आवाज को राम जी ने भी सुना, लक्ष्मण मां जानकी ने भी सुना, लेकिन भगवान सुन करके अनदेखा अनसुना कर दिए। भगवान ये लक्ष्मण को बता रहे हैं, लक्ष्मण तेरे मन में संशय था ना, तेरे मन में ये चिंता थी ना कि भरत मारने के लिए आया है, इसलिए जब तक तू नहीं कहेगा ना तब तक ये राम भरत के लिए जाने वाला नहीं है, तब तक ये राम भरत के पास नहीं जाने वाला है। लक्ष्मण ने अपने तीर धनुष को जमीन पर पटक दिया, भगवान के चरणों पर गिर पड़े और कहने लग गए, भैया
आपको भरत बुला रहा है। और जैसे ही कहा भैया भरत बुला रहा है, भगवान उठ करके कुटिया से दौड़ पड़े भरत के तरफ। भगवान का पीतांबर, भगवान के कंधे का दुपट्टा नीचे गिर गया, भगवान का तीर धनुष हाथ से गिर गया और भगवान दौड़ करके भरत को गले से लगा लेते हैं। बरबस लिए उठाई उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सवैया पान। भरत जी महाराज तो राम जी के चरणों पर साष्टांग लौट गए और श्री भरत जी महाराज को भगवान राम ने गले से लगा लिया। पूछा उस दुपट्टे से क्यों उतर गए तुम, तो कहने लग गए मैं दो भाई के मिलन पर मैं बाधक नहीं बनना चाहता। तीर धनुष ने कहा मैं भाइयों के मिलन पर अस्त्रों का कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण आज भरत के श्री चरणों पर गिर गए। आज श्री लक्ष्मण जी महाराज भरत के चरणों पर गिरे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अगम सनेह भरत रघुवर हो, अगम सनेह भरत रघुवर को, अगम सनेह भरत रघुवर को, अगम सनेह भरत रघुवर को, जान जाए मनो बिधि हर कर को, जान जाए मनो बिधि हर हर को, सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, तो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, सो मैं कुमति कहूँ के भांति, सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुरग की गाड़त ताती, बाज सुरागी की गाड़त ताती, मिलनी बिलोकी भरत रघुबर की, मिलनी बिलोकी भरत रघुबर की, सुरग सुभय स्वामी जी महाराज कहते हैं अगम स्नेह भरत रघुवर को, जान न जाइए मनु बिधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहां कई भांति। ये राम भरत का जो दिव्य मिलन है, इस राम भरत के मिलन को स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश इसको जान नहीं सकते हैं। मैं कहां से इस बात को कह सकता हूं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भरत जी के इस चरित्र को कहना आसान नहीं है। रात्रि विश्राम हुआ भरत जी का, रात भर श्री भरत जी महाराज यही चिंतन करते रहे मैं कहूं कैसे भैया से। चूंकि दास है, दास कैसे कहेगा कि आप चलिए ही चलिए, यदि मना कर दिए तो मैं करूंगा क्या।
आज भरत जी महाराज बड़ी चिंता पर हैं, रात को नींद नहीं आ रही है। श्री भरत जी महाराज गुरुदेव से पूछ रहे हैं, माता कौशल्या से पूछा, सुमित्रा से पूछा, जनक जी महाराज से पूछा, सब निरुत्तर हैं भरत के समक्ष। आज स्वयं रामचंद्र जी महाराज ये सोच रहे हैं कि जिस भरत को राम ने कभी ना नहीं कहा, वो भरत यदि आज कह देगा कि भैया आप वनवास को त्याग करके हमारे साथ अयोध्या चले, उस भरत को मैं ना कैसे कह पाऊंगा, उस भरत को मैं ना नहीं कह सकता। और यदि मैंने ना कहा तो मेरे भक्त का मन टूट जाएगा, वो भगवान को शोभा नहीं देता। और यदि मैं भरत के साथ अयोध्या चला गया तो पिता द्वारा दिया गया वचन टूट जाएगा। राम जी भी आज व्याकुल हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद राम जी को भी विचार आया, नहीं, मेरा भरत तो मेरा आज्ञाकारी है, वो मेरे से कुछ कहेगा नहीं, जो राम भरत को कह देगा वही भरत राम की आज्ञा को मान करके सिरोद्धार हो जाएगा। सुबह हुई, भरत जी महाराज कह नहीं पा रहे हैं, ना कहते हुए भी बातों को कहने का प्रयत्न किया। भगवान श्री रघुनाथ जी ने भरत को कहा, भरत पिता ने 14 वर्ष का वनवास कहा है और वो पिता अपने संकल्प को, अपने दिए हुए वचन को पूरा करते करते देह को त्याग दिए, तो क्या चाहता है कि वो पिता ने अपने देह को त्यागना पसंद किया, उस संकल्प को राम तोड़ करके आ जाए। इसलिए भरत, पिता के आज्ञा मान करके तू राज्याभिषेक कर, तू राजा बन अयोध्या का। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, नहीं भैया, अयोध्या का राजा तो केवल आप ही हैं और आप ही रहेंगे। ध्यान रखना भैया, आप यदि आज इस भरत के साथ नहीं जा रहे ना, तो आज से ये भरत अयोध्या तो जाएगा लेकिन अयोध्या के राजपाट को नहीं संभालने वाला, इस राज गद्दी में नहीं बैठने वाला। ध्यान रखना भैया, ये भरत 14 वर्ष तक तुम्हारा इंतजार तो करेगा लेकिन 14 वर्ष के काल में एक पल का भी विलंब हुआ ना, तो ये भरत तत्क्षण अपने जीवन का परित्याग करके चला जाएगा इस संसार से। इसलिए ऐसा मत सोच लेना कि हम वन में रह लिए हैं, वन में ही आश्रय ले लें। पिता की आज्ञा को मान करके आप वनवास को स्वीकार किए तो भक्त की आज्ञा को भी माने, 14 वर्ष से एक पल का भी विलंब नहीं होना चाहिए। और आज ये भरत संकल्प लेता है कि जिस प्रकार मेरा बड़ा भाई वन में रह रहा है कासाय वस्त्र धारण करके, ये भरत भी राज्य के महलों पर नहीं रहेगा, राज्य की शोभा को नहीं धारण करेगा, ये भरत भी पर्णकुटी बनाएगा, भरत भी पर्णकुटी पर वास करेगा, ये भरत भी कासाय वस्त्र ही धारण करेगा। आप भैया भूमि पर सोगे तो ये दास तो आपसे नीचे जमीन पर सोएगा, आपसे नीचे धरती पर गड्ढा खोद करके सोएगा। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, भैया आप अयोध्या 14 वर्ष बाद आएंगे ना, ये भरत भी आज से अयोध्या पर नहीं रहेगा। और ध्यान रखना, पिताजी की इच्छा मुझे राजगद्दी देने की नहीं थी, उन्होंने तो जीते जी राजा आपको बनाया था,
वो जीते जी राज गद्दी आपको देना चाहते थे, इसलिए पिता की इच्छा को पूरा करना दूसरे बेटे का धर्म है, इसलिए ये भरत आपको ही राजा बनाएगा, ये भरत राजा नहीं बनेगा। और आप नहीं चलोगे ना तो आपके चरण चिन्ह अयोध्या पर शासन करेंगे। श्री भरत जी महाराज ने भगवान राम के चरण पादुकाओं को उठाया, श्री भरत जी महाराज ने भगवान के श्री पद को प्रणाम किया, राम जी से आशीष प्राप्त किया, भगवान ने तीनों माओं को प्रणाम किया और तीनों माओं को प्रणाम करके समस्त अयोध्या वासियों को जाने के लिए कहा, पिता के वनवास के नियम को पूरा करने की बात कही। आज श्री भरत जी महाराज मस्तक पर खड़ाऊं रख करके अयोध्या की तरफ वापस।